As you can see, लो भाई लो, तुम हमसे लो। गेस करो, गेस करो। तो ये किया है सोनम ने मेरा मेकअप। अब हम जा रहे हैं पर मेन चीज के लिए, सोनम के लिए। हेलो पिंक हार्ट्स, क्या है चाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल पिंक रस। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये है एक ब्लॉग। वैसे मैंने ना कभी आजकल जैसे मोस्टली मैं बनाती हूँ तो वो शॉपिंग के ब्लॉग होते हैं, जिसमें मोस्टली आपको सीधे उसी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है, बट आज होने वाला है दोनों मिक्स। तो आज हम शॉपिंग भी जाने वाले हैं, संडे है आज तो संडे मार्केट जाएंगे आराम से, एंड देखेंगे वहाँ क्या क्या आया है। उसके अलावा हम घर पे क्या करते हैं बाजार जाने से पहले, सारी चीज़ें आज मैं शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। तो ये एक मतलब लाइफस्टाइल ब्लॉग आप बोल सकते हो, उस टाइप का होने वाला है। सो आई होप आपको पसंद आएगा, एंड ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो आज हमने सोचा कुछ नया इंटरेस्टिंग अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि नहीं यही क्योंकि इसको स्ट्रेट बाल बड़े पसंद है ना। जैसे कि आप सबको पता होगा जिनके स्ट्रेट होता है उनको कर्ली बाल पसंद होते हैं, जैसे मेरे को इसके बाल पसंद है और इसको मेरे बाल पसंद है। तो मेरे पे था स्ट्रेटनर, मैंने बोला चलो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं बाल सीधे होते हैं कि नहीं, आपको आगे चल के पता चलेगा। तो चलो पहले इसके बाल स्ट्रेट करते हैं, वैसे हो जाएगा, लिख के ले रहे मेरे से सर्द लगा के ना, तो ना एक जूस की ठीक है। तो अगर स्ट्रेट हुए तो मेरे को जूस ये भी लाएगी, अगर नहीं हुए तभी भी तो हम जस्ट थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं एंड फटाफट से रेडी होते हैं। बट रेडी होने से पहले, या फिर अगर आप कभी भी बाहर जा रहे हो, खासकर जैसे अब समर के टाइम में है तो इतनी कड़ाके की धूप है मैं क्या बताऊँ, तो आप कभी भी अगर बाहर जा रहे हो तो एक चीज कभी भी स्किप मत करना, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप बोलोगे मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज करती हूँ, तो चलो उसके बारे में जान लो। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो ही सनस्क्रीन जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ। जो सनस्क्रीन मैंने फाइंड किए हैं वो है कुछ इस टाइप के। तो ये है यूवी डॉग्स सनस्क्रीन जो कि स्लीकन बेस है, एंड स्लीकन इज समथिंग जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा लाइक जैसे आपने देखा होगा प्राइमर में बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। एंड ये हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है एट द सेम पॉइंट। अगर किसी सनस्क्रीन में हमको स्लीकन भी मिल रहा है तो इट मीन्स ये दो फायदे हमको देने वाला है। एंड ये अभी तक का नंबर वन सनस्क्रीन ब्रांड है जो कि यहाँ पे मेंशन है साफ साफ। एंड इसमें है SPF 50 प्लस PA प्लस 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 जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत सही होता है, एंड यूवी रेज से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला सनस्क्रीन है। खास बात क्या है इस सनस्क्रीन की कि ये ऑयल फ्री है, मैट फिनिश आपको प्रोवाइड करता है, उसके अलावा एक स्मूथ टेक्सचर आपके स्किन को दे देता है, प्लस साथ ही साथ ये है नॉन कॉमेडोजेनिक। उसके अलावा खास बात क्या है ये ऑल स्किन टाइप को सूट कर जाता है। खास चीज क्या है ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड भी है। उसके अलावा जैसे क्लिनिकली प्रोविन है ये, इट मींस बहुत सारे जैसे होते हैं ना जिनके स्किन के लिए सजेस्ट करते हैं डर्मेट सनस्क्रीन, तो ये उनमें से एक। इसके अलावा इसमें अल्कोहल नहीं है, डाई नहीं है, जो कि बहुत सही बात है, सनस्क्रीन में होनी भी नहीं चाहिए। इसके अलावा ये नॉन इरिटेटिंग है, प्लस ये वाटर रेजिस्टेंट है, स्वेट रेजिस्टेंट है। उसके अलावा इसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, एंड कोई भी कलर इसमें एडेड नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है एज अ प्रोडक्ट में होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है, इसके बाद चलो इसको ओपन करते हैं। तो जैसे इसको ओपन करेंगे, बाय द वे पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है और जो सनस्क्रीन है वो कुछ इस टाइप की है एज यू कैन सी। जैसे इसको ओपन करेंगे इसमें सबसे अच्छा जो मेरे को लगा वो है इसकी पैकेजिंग, इस टाइप की पैकेजिंग है जो कि बहुत कम सनस्क्रीन में मेरे को देखने को मिलती है। चलो इसको हम टेक्सचर वाइज देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको निकालेंगे इसका टेक्सचर ना कुछ इस टाइप का है, पता है कि स्किन में ना एक तरीके से समा जाता है, एंड एक मैट फिनिश भी आपको दे देता है, एंड स्वेट प्रूफ भी है। इट मींस अगर आप जैसे कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आपको स्वेटिंग की बहुत ज्यादा इश्यू होती है तो इस सनस्क्रीन के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो जो कि है यूवी डॉग्स की तरफ से, एंड हाईली रिकमेंड मैं आपको कर सकती हूँ इस प्रोडक्ट को। तो इससे रिलेटेड सारी जो डिटेल्स होगी एंड सारी चीजें होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी, एंड आप इसको परचेज भी कर सकते हो। उसका भी लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप देख लेना। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो अब हम शुरू कर रहे हैं हेयर को स्ट्रेट करना। सोनम के बाल वैसे मोस्टली कर्ल है जैसा मैंने आपको बताया था, एंड ऐसे एक्सट्रीम वाले कर्ल हैं, तो मेरा था कि मैं इसको स्ट्रेट करके ही मानूंगी, एंड मैंने किए भी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, एंड वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। एज यू कैन सी कितने सुंदर लग रहे हैं, उसके बालों की लेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो ये चैलेंज जीती हूँ मैं। अभी हम जा रहे हैं ठंडा लेने,
क्योंकि चाय पीने का मन नहीं है तो हम जा रहे हैं अभी थोड़ा ठंडा वंडा ले। और टाइम तो मैं जाती नहीं, इस बार ये है ना तो तब मैं ज़्यादा जा रही हूँ, नहीं तो मैं घर के अंदर ही बंद रहती हूँ, मेरे को पसंद भी नहीं है क्या। तो चलो ठंडा ले कर गए हैं यहाँ पे रेडी जाने के लिए सन्ने मार्केट। आज हम थोड़ी लेट में जा रहे हैं बिकॉज हमने सुना है कि वहाँ अगर हम लेट में मतलब शाम के टाइम जाते हैं ना दो फायदे हो जाएंगे हमारे, एक तो धूप है नहीं ठीक है, दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि इस टाइम पे ना प्राइस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है क्योंकि उनको ऐसा होता है कि सामान ऐसा है कि लो भाई लो तुम हमसे लो, तो उसी वजह से हम इस टाइम पे जा रहे हैं। एंड लेट्स गो। हम पहुंच गए हैं संडे मार्केट ये, एंड जैसे मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ इतनी ज़्यादा धूल थी, ऊपर से इतनी ज़्यादा क्राउड था ना मैं क्या ही बताऊँ। बट यहाँ ड्रेस कलेक्शन अच्छी होती है, जैसे मेरे को ये जैकेट दिखा एक जगह एंड आई जस्ट फेल इन लव। एंड इसका प्राइस गेस करो ओनली 150 रुपीज़। तो मैंने ये ले लिया फटाफट से, बट यहाँ आना शाम के टाइम उतना मेरे को सही नहीं लगा क्योंकि धूल थी, लोग इतने सारे थे, तो हमने बोला चलो घर जाते हैं। सोनम को भी और चीज़ें पसंद नहीं आई थी तो हमने सोचा सीधे पलटन जाएंगे अगले दिन। एंड रात के टाइम हम थोड़ा टहलने लग गए थे, वैसे और टाइम मैं नहीं जाती हूँ बट सोनम थी तो हर चीज़ पॉसिबल है मेरे लिए। इसके बाद ये है डे 2 एंड हम रेडी हो रहे हैं शूट के लिए। तो ये है डे 2, मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लिया जाए। बाय द वे आज हम करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंज एंड आज हम पलटन भी जाने वाले हैं, तो दो दिन का आपको एक व्लॉग में देखने को मिलने वाला है। सो आई होप आपको पसंद आए। अभी हम फिलहाल के लिए शूट करने की सोच रहे हैं मेकअप एंड ऑल, एंड आज क्या शूट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाय द वे इससे पहले हमने एक चैलेंज वीडियो बनाया था जो कि आ जाएगा जल्द ही, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो जिसमें हमने एक मोमो चैलेंज किया था मैंने और सोनम ने, है ना। हाँ उसमें हार गई थी मैं, तो हमने उसमें शर्त रखी थी कि जो हारेगा उसका मेकअप जो दूसरा इंसान है वो करेगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि चैलेंज वीडियो को मतलब चैलेंज हम जैसे मैं हारी ना तो अब ये मेरा मेकअप करने वाली है, तो अच्छे से करना बिल्कुल। तो वो ही अभी हम करने जा रहे हैं शूट एंड देन हम चलेंगे पलटन। तो पहले ये शूट करके देखते हैं सीधा कि इसने मेरा कैसा मेकअप किया है। तो ये किया है सोनम ने मेरा मेकअप। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स आपको कैसा लगा। और हमने कर लिया चैलेंज कंप्लीट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा, फनी रहा। तो अगर आपको वो भी देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड एन स्क्रीन में मैं डाल दूंगी उस चैलेंज को भी। अगर इससे बाद में आएगा तो आप इसके बाद देख सकते हो, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज ये फ्री है सब्सक्राइब करना। एंड इसके अलावा अगर वो आ गया होगा तो एंड स्क्रीन में लिंक दे दूंगी मैं। एंड हाँ तो ये चीज़ हमने कर ली है। इसके बाद मेरे को एक प्रमोशनल शूट करना है अभी जस्ट, तो वो करने के बाद मैं मिलती हूँ, देन हम पलटन जाएंगे। शूट होने के बाद हम हो गए थे रेडी एंड अब हम जा रहे हैं पलटन। बट उससे पहले हमको जाना था थोड़ा धर्मपुर, हाँ वहाँ से हमको कुछ फ्रूट्स लेने थे जैसे तरबूज कीवी और आम वगैरह। और आपको पता होगा ये जगह, अगर आप देहरादून में रहते हो, ये धर्मपुर की मंडी है जहाँ सब्जियाँ मिलती है, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। उसके बाद हम गए थे केमिस्ट की शॉप में जो कि धर्मपुर में है, सिटी केमिस्ट करके, कुछ दवाइयाँ लेने नानी के लिए। तो इसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से एंड घर चले गए थे सबसे पहले दवाइयाँ वगैरह देने। एंड देन अब हम जा रहे हैं पलटन बाज़ार। एंड पलटन बाज़ार जाएं और इस जगह ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। एंड इस बार तो सोनम भी थी तो ख़ास बात है आज, तो इसीलिए आज हम आए हैं यहाँ। एंड हमने खाए मोमोज। एक कम बता 49 49 किलो 49 सोनम चा आज बोलो 50 किलो 50 मेरे से एक ज़्यादा। इसके बाद मम्मी ने भी वजन नापा था एंड देन हम निकल पड़े पलटन की और मेन चीज़ के लिए। तो पहले मेरे को दिखा ये वाला सेट जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था एंड 200 का था, तो मैंने पिंक वाला ले लिया था। इसके बाद हम ढूंढ रहे थे टॉप। सोनम की दोस्त
उर्फ मेरी भुली संगी के लिए। एंड फाइनली हमको एक टॉप मिल भी गया था जो कि बड़ा क्यूट था, इतना सुंदर था। एंड इसके बाद हम आए थे इस प्लेस में जहाँ हमको कुछ ऐसा मिला नहीं। देन हमने सोनम के लिए लिए शूज़ बिकॉज उसको शूज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, कैनवास वाले। एंड सोनम एंड टीना उसके जो भुली है उसके लिए भी लिया था। एंड अपने लिए मैंने क्रॉक्स लिए। एंड इसके बाद हम घर निकल गए क्योंकि लेट हो गई थी एंड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना आजकल, मैं बता नहीं सकती। तो हम आ गए हैं घर पर। पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्योंकि शेर भी भाग रहा है, मोटर चल रही है, सब कुछ। बट आई थिंक मेरे को आप ब्लॉग एंड कर देना चाहिए। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड अगर अभी तक आप ब्लॉग देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। शेरू बैकग्राउंड नॉइस नहीं, बट चलो कोई नहीं। तो चलो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle.